अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मुबशर टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ कि इस तरह की वीडियो किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी टिकटॉक आईडी पर मैंने इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो किस तरह क्रिएट करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर लेते हैं शुरू विदाउट टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, ठीक है। कुछ तारफ करवा देता हूँ, मेरा अपना माय नेम इज़ मुबशर, आप देख रहे हैं मेरा मिस्टर मुबशर टेक्निकल। मैं अपने चैनल में आपको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली तीन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो आपको गूगल, वो हर किसी के पास होता है। एक उसमें होता है पिकन, एक वेबसाइट होता है, एक ऐप बना होता है, ठीक है, पिस्टन। तो उसे आपने जाकर गूगल से ऐसी इमेज डाउनलोड कर लेनी, जैसा कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, कोई भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, पिक्चर डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने दोस्तों, ये देखिए, मैं मिसाल इमेज पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने, ये आई एम सॉरी यार, ये ना मुझसे गलती हो गई है, वो यार क्लिक हो भी जाए, इसे हमने बैक करना, अब सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह की आपके पास पिक्चरें आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी कोई भी पिक्चर, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पिक्चर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपने आ जाना, आपके पास ऐप होना चाहिए पिक्सलैब, ठीक है दोस्तों। आप प्ले स्टोर से दस्ती, आप प्ले स्टोर पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका आइकन है कुछ, ठीक है। इसे आपने दोस्तों सिंपली ओपन करना है गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों, मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, मैं इसे कर देता हूँ ख़त्म, बिल्कुल, ठीक है, ओके। इसे हम यहाँ पर कर देते हैं डिलीट, ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने गाइस क्या करना है, गाइस आपने एक पेज आप लेकर आना, ठीक है। वो कैसे लेकर आएंगे, हम अपनी गैलरी में जाएंगे, जो फ़ोटो लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। गैलरी को जाने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने फ़ोटो में आ जाता हूँ, ये पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैंने एक इमेज लेनी है गाइस, गाइस ये डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों। इमेज ली है और मैंने यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर दिया दोस्तों, ठीक है। शेयर करने के बाद दोस्तों, हम पिक्सल लैब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इमेज आ चुकी है दोस्तों। अभी आई नहीं इमेज हमारी, ठीक है, लेकिन हम दोबारा से लेकर आ जाते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये देखें, वो यहाँ पर इसका साइज़ जो आप 9:16 का रखना, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों, ये देखें आपके पास इमेज आ चुकी है गाइस, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, दोस्तों अब आपने सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। टेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले ए पर क्लिक करें गाइस, ठीक है। यहाँ पर आएँ, ये वाला जो एक आगे वाला, यहाँ पर क्लिक करें दोस्तों। आपको एक यहाँ से एक डब्बा बनाना है, एक लाइन खींचनी इस तरह, ठीक है, और इसका टैगल इस तरह कर लेना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से करना आपने, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखें, इतना करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, इसे करना है यहाँ पर ओके। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। अब दोस्तों, मैंने क्या करना गाइस, मैं अपने टेक्स्ट में जाता हूँ, प्लस पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ भी यहाँ पर आपको सेंड करके दिखा देता हूँ, लिखता हूँ। तो मैं जाकर कोई शेर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपने जो शायरी लिखना है अपनी नोट पैड या जहाँ पर कोई शायरी है, आपने वो शायरी, ठीक है दोस्तों, से आपने कॉपी कर लेना, जिस तरह मैं कॉपी करके आपको अभी दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक शेर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है ना। वक्त बताएगा उसे हमारी कदर, कॉपी करना गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपने पब्लिश करना है गाइस, ठीक है। ये देखें, कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आपने नीचे वाली लाइन है, इसे कर देना आपने डिलीट, ठीक है, ओके गाइस, ओके पर क्लिक करें गाइस। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आ जाना आपने इस तरह से। इसका जो कलर है, सबसे पहले आपने इसे ए में आ गया, इसका कलर सेट कर लेना है, कोई भी आप कलर रख सकते हैं। मैं कलर में आता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले ब्लैक कलर कर लेता हूँ, या ये रेड रेड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपने आना है फाउंड में, फाउंड में आते हैं, ए बी में आ जाना है दोस्तों। आपने फाउंड नीचे, मैंने लिंक दे दूँगा, आपने जाकर फाउंड डाउनलोड कर लेनी है, जो मैं अब यूज़ करता हूँ। बस ये देखें, ये फाउंड है, ये फाउंड है, जो फाउंड आपको अच्छा लगे आपने वो फाउंड यूज़ कर लेना है। मैं ये फाउंड यूज़ करता हूँ, या ये यूज़ करता हूँ दोस्तों, ये बेस्ट है, ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसे आपने सेट कर लेना है, मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इस तरह से। अब दोस्तों, आपने इसमें शेडो दे सकते हैं, शेडो देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए दोस्तों आपने नीचे आ जाना है दोस्तों। आपने यहाँ पर क्लिक करना है बॉर्डर पर, बॉर्डर पर क्लिक किया दोस्तों, बॉर्डर हमने देखें, इसमें शेडो देकर देखते हैं, क्योंकि ये फाउंड जो है, ये स्लाइडर फाउंड है, और आप ये दे देते हैं हम, ठीक है दोस्तों। इसमें हम, आपने क्या करना है गाइस,
आपने ब्लैक स्लॉट की हुई है, इसे आपने फुल कर देना, इसे एनेबल कर देना है, और इसका जो साइज़ है बिल्कुल डी इनक्रीज करना है, बिल्कुल कम करना है ताकि अच्छा लगे हमारा, ठीक है। आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहें, बट ब्लैक ही अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आप इसे दरमियान नहीं करें, आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप इसे ब्लैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ठीक है, मैं इसे आप ब्लैक करके आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। कलर आ गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इसे ओके इस तरह करना आपने। इसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर रखना है। अब दोस्तों इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पर मैं वाइट देने वाला हूँ, इसका कलर हम वाइट करेंगे तो मज़े का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कलर थे किधर, ये कलर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर वाइट दिया, ये देखें वाइट दिया और कितने अमेजिंग लग रहा है कलर। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपने गाइस इसके बाद आपने आना है नीचे टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना ऊपर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपने अपना जो आपका आईडी नेम है वो आपने लिख लेना, जिस तरह मेरा आईडी नेम है टिकटॉक की वैश्य राइट, ठीक है दोस्तों, वन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, वन ये लिख दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए, आपने इसे नीचे लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर चले आ जाना इस पर स्पेस पर, ठीक है, सफेद ऑप्शन पर क्लिक कर लें, इस सफेद देना, इस इतना सफेद देने के बाद ओके पर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों, और फाउंड में आ जाइए। फाउंड में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फाउंड दें, इसको अमेजिंग फाउंड, कोई अच्छा सा फाउंड हो जो आपको देखने में मज़ा आए, मुझे भी, ठीक है, यहाँ पर ओके कर दें, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये फाउंड दिया मैंने, अब इसमें शेडो देनी है गाइस। हमने शेडो देने के लिए गाइस क्या करना है, आपने आपने गाइस नीचे आना, यहाँ पर शेडो, ये डार्क शेडो आ गई है, ये देखें, इसमें आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इतना रेडी हो चुका है दोस्तों, अब आप पर शेयर हो चुका है क्लिक। लेकिन अगर आप ऊपर डीपी वगैरह लगाना चाहते हैं, मुफ्त चेंजिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी इसी तरह करना है दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट फाइल पर क्लिक कर लेना गाइस। गाइस यहाँ पर आपने अपनी गैलरी में चले जाना है, गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी है और अपने पिक्स लैब में आ जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पिक्स लैब में आ जाता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने एक फोटो बनाई हुई है शॉर्ट, ये देखें, इसमें आप बना लेना इस तरह से, इसमें अनेबल कर देना है और नीचे आकर आपने इसे छोटा कर लेना, ठीक है, इसे डी इनक्रीज करना है गाइस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रखने के बाद गाइस इसमें भी आपने शेडो वगैरह देनी है, तभी जाकर मज़ा आने वाला है, ठीक है, या तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम शेडो भी दे लेते हैं हम दोस्तों, ठीक है, डार्क शेडो। इस शेडो देने के बाद गाइस मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। करने के बाद दोस्तों अब हमने नाम लिखना है उर्दू में, नाम किस तरह लिखना है, जैसा कि मुबशी राइट है दोस्तों, मैं उर्दू में नाम लिखकर आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ मैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है गाइस यहाँ पर अपना नाम लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ अपना, आप अपना नाम लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें, उर्दू होगा, ठीक है। इतना करने के बाद मुबशी टाइप हो गया दोस्तों, अब इसे आपने सेट कर लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर रखता हूँ मुबशिर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आऊँगा अपने फाउंड में, इसका जो फाउंड है स्टाइलर फाउंड देने वाला हूँ, स्टाइलर फाउंड यहाँ पर देता हूँ मैं, ये स्टाइल फाउंड, ठीक है, मुबशिर ये वाला, ओके। ये फाउंड मैंने दिया, देने के बाद इसका साइज थोड़ा डी बड़ा किया, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोस्तों मैं आ गया शेडो में, शेडो में आने के बाद गाइस हमने यहाँ पर दी इसमें वाइट, वाइट देने के बाद दोस्तों कलर में आना, कलर इसका चेंज करना, हमें करना ये कलर, ठीक है। कलर स्टार्ट कर लिया, दोबारा फिर शेडो में आते हैं गाइस शेडो में आने के बाद गाइस यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा देना इस तरह से, ये बॉर्डर था, अब आना शेडो ये रही, ठीक है दोस्तों। इसका साइज़ बढ़ाना है, इसमें इस तरह ये करना कलर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक नहीं करना दोस्तों आपने, ये मेरे ख्याल में दोस्तों आप कर लें, यही वाइट ही कर लें, वाइट कर लें, कोई भी आप स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से, मैं ये करता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपने इसे निबल कर लेना है, ये देखें, एडजस्ट करना अपने हिसाब से, ओके करें। इतना करने के बाद आगे लिखना बस राइट, दोबारा क्लिक करें गाइस, ठीक है, यहाँ पर राइट लिख ले, राइट लिखने के लिए दोस्तों आपको बता दूं मैं, यहाँ पर उर्दू करना है आपने, रेप अलिफ, ठीक है। आगे आपने क्या पर दे देनी है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से सीन हमदा क्लिक करना, ये राइट हमारा हो चुका है राइट, ठीक है, ओके पर क्लिक करें गाइस। अब आपने इसे बड़ा साइज करना है,
अब इसमें आपने फाउंड देना स्टाइलर फाउंड। स्टाइलर फाउंड देने के लिए दोस्तों हम दोबारा फाउंड में जाएंगे। फाउंड में जाने के बाद दोस्तों ये वाला फाउंड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये फाउंड ठीक है इसके लिए, राइट के लिए। ये अक्सर दो आपने देखा होगा ये फाउंड बहुत यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। क्लिक कीजिए, यहाँ पर रखिए, इसके बाद इसमें आप इसकी स्टाइल कैसे करते हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही करनी गाइस। आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर भी, ठीक है। अपने हिसाब से आपने डिज़ाइनिंग करनी, जो आपको अच्छी लगे आप वही करिए, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों ये जी वाला ये ने ओके, ये देखें दोस्तों ये मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ और इसके जो अंदर वाला कलर है मैं ये करना चाहता हूँ, और जो बॉर्डर वाला कलर है दोस्तों ये मज़ा नहीं आ रहा, बॉर्डर वाला कलर हम करेंगे वाइट। ये देखें इसके साथ मैच भी कर रहा, मज़ा भी आ रहा है। वैसे राइट हो गया, नीचे आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं नीचे दोस्तों, कुछ भी मसले में कुछ भी लगा, यहाँ पर यही लगा सकता हूँ। इसे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है दोस्तों। ये देखो ऊपर आ चुका है, इसे आपने इस तरह कर देना, नीचे यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है दोस्तों। इतना कर लें, कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं इजीली कर सकते। इतना करने के बाद सेफ एज़ दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर कर देना अल्ट्रा और सेव कर दें, ठीक है। इस तरह आपने दोस्तों पेज बना लेने हैं, मैंने काफ़ी पेज बना लिए एक, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, मिसाल के तौर पर पेज बना रहे हमने इस तरह क्रिएट कर लिए। दोबारा दोस्तों इसमें आपको एक बात समझा दूँ, दोस्तों अगर आप दूसरा पेज बनाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली गाइस आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वो वाला दूसरा टेक्स्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट अप्लाई कर देना है, दो आपने ऊपर वाला मिटा देना, नीचे वाला रहने देना, ठीक है। ये देखें इस तरह करके आपने इसे भी यहाँ पर म्यूट कर देना, बिल्कुल ओके पर क्लिक करना गाइस। अब देखें ये वैसे ही एडिट हो चुका है, ये वक्त बताएगा उसे हमारी कदर। यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर इसे सेव एज पर क्लिक कर देना है अल्ट्रा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अल्ट्रा सेफ, तो ये दोनों सेफ हो चुके हैं। अब हम करेंगे एडिटिंग दोस्तों, वो इसके लिए आपको ऐप चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपने इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इंटरनेट प्ले स्टोर से कैप काउट, ठीक है ना, कैप को कट, कैप कट है इसका नाम। इसे आपने सिंपली ओपन करना है गाइस। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर फोटो में आ जाना है, फोटो में आने के बाद दोस्तों वो दो फोटो सेलेक्ट करने हैं जो आपने बनाए हैं, ठीक है। ये देखें ये मैंने क्लिक किए हैं, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर सेफ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने गर्ल्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। गर्ल्स सेलेक्ट कैसे किए हैं मैंने दोस्तों, मैं आपको दिखा बताता हूँ दोस्तों। पहले आप देखें ये पहले मैंने सेलेक्ट करना है, दोनों मैंने दूसरा सेफ नहीं किया था, तो ठीक है। इसके लिए मेरे पास और इमेज हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने बनाई हैं, ठीक है ना। ये मैं अब सेलेक्ट करता हूँ, किस तरह करना है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करता हूँ, पेज हमारे बने हुए हैं, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देना है, ऐड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर आएँ, इसका फ्रेम चेक करें, फॉर्मेट चेक करें, फॉर्मेट आपने करना है ये फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है गाइस, सबसे पहले ये चेक करना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर यहाँ एनिमेशन पर क्लिक करना है, आउट पर क्लिक कर देना है, आउट पर। दोस्तों ये दो शुरू वाले बहुत यूज़ होते हैं, यही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये देखें इस तरह, इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपने आगे आना है इस पर आपने ये यूज़ कर लेना है। इसके बाद आगे आना दोस्तों, इस पर ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने यूज़ कर लेना है जिस तरह मैंने यूज़ किए हैं। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखें दोस्तों इसमें आप सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी रफ्तार वगैरह अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जिस तरह आप मर्ज़ी करना चाहें आप। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एडिटिंग हो चुकी है, इतना ही हमारा काम था। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन दोस्तों हमारा मज़ा तो आया है ना वीडियो में।
दोस्तों अब प्ले करके आपको दिखाता हूँ हमारी वीडियो किस तरह बनी है गाइस। दोस्तों ये देखें, जैसा कि उस तरह बिल्कुल हम सेम उसी तरह बनाई जैसे मैंने पहले आपको वीडियो बना दिखाई है। ये देखें इसके बाद दोस्तों अगर आप सॉन्ग ऐड करना चाहते हो ऑडियो में आएँ, ठीक है। ऑडियो में आने के बाद दोस्तों साउंड पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास जो भी साउंड है आप इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर कोई सॉन्ग नहीं लगाना चाहता गाइस, ठीक है। तो वैसे आप सॉन्ग अगर लगाना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पर मैं कोई भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने ऐड कर लेने हैं। ये डाउनलोड होगा, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता इसे ऐड, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आप साफ सेव करने के लिए यहाँ पर ऊपर क्लिक करें दोस्तों, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।